questions. A plant is operating at 60% capacity. The fixed cost दिया हुआ है 30,000. वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 1,00,000. एंड सेल्स अमाउंटिंग टू रुपीज, सेल्स भी आपको दिया हुआ है 1,50,000. कैलकुलेट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट एंड फाइंड आउट. एक कंडीशन जरूर रहेगा, एंड फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी एट विच द प्लांट शुड ऑपरेट. ठीक है, यहां भी कंडीशन है. आप कितना कमाना चाहते हैं ऑफ रुपीज 40,000. बोलता है 40,000 रुपया आप कमाना चाहते हैं, उसके लिए आप कैलकुलेट बीपी एंड फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी एट विच द प्लांट शुड ऑपरेट. अभी तो आप 60% कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं, हमको कितना परसेंट कैपेसिटी को और बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा कि मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए. बट पहला पार्ट तो पहले बनाइए. हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे बीपी ब्रेक इवन पॉइंट. ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हम लोग को दी गई यहां पर क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट क्या दिया हुआ है, फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है और सेल्स दिया हुआ है. बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा कंट्रीब्यूशन के लिए. कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस माइनस वी. सेल्स कितना दिया हुआ है बोलिए, 1,50,000. वेरिएबल कितना है, निकल गया कंट्रीब्यूशन. ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग को क्या निकल जाएगा, बीपी फॉर्मूला बोलो, फिक्स्ड इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय सी. फिक्स्ड कितना दिया हुआ है, ठीक है 30,000 लिख दो. सेल्स बोलो 1,50,000. कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन तो 50,000 निकला है. ठीक है, तो मेरा कितना आ गया 90,000, कट गया तीन मरते. ये पहला हो गया ये वाला. दूसरा कंडीशन लिखो, सेकंड वाला कंडीशन लिख के बनाना हमको. कितना प्रॉफिट चाहिए, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए पीछे पीछे ध्यान से देखो. कैलकुलेशन ऑफ सेल्स इन डिजायर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स इन डिजायर्ड प्रॉफिट. कितना डिजायर्ड प्रॉफिट है, रुपीज 40,000. देखो इसके पहले हम लोग फॉर्मूला लगाए थे एफ प्लस पी डिवाइडेड बाई
कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बट यहां पर देखिए कौन सा लगेगा, उसके नीचे लिखवाए हैं हम आपको, इफ पर यूनिट इज नॉट गिवन, पर यूनिट यहां पर नहीं दिया हुआ है, यहां पर सब अमाउंट में दिया हुआ है, यानी इफ पर यूनिट इज नॉट गिवन तो फॉर्मूला कौन सा होगा, तो देखिए हम आपको लिखवा चुके हैं एफ प्लस आ जाएगा, अभी बिठा दीजिए, बिठा एफ बोलो कितना है, 30,000, कितना प्रॉफिट कमाना चाह रहे थे, कंट्रीब्यूशन कितना है और सेल्स कितना है, 1,50,000, कितना गया, 2,10,000, 2,10,000, देखिए आपसे एक क्वेश्चंस तो ठीक है, 2,10,000 का सेल्स करेंगे तब मेरा प्रॉफिट 40,000 मिल जाएगा, 2,10,000 का आप सेल्स करोगे तो 40,000 प्रॉफिट मिल जाएगा, बट आपसे यहां पर क्या पूछ रहा है परसेंटेज में, एंड फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी, अभी आपका जो कैपेसिटी है वो 60% है, तो कैपेसिटी कितना होगा, इसलिए परसेंटेज कैपेसिटी दिखा दीजिए जो बोला है, परसेंटेज पहले देखिए कितना हो रहा था, अभी तो हम लोग को 2,10,000 करना पड़ेगा, 60% में कितना था, 60% में 1,50,000 था, 1,50,000 कितना परसेंट में था, 60% में, तो अभी देख लीजिए कितना करना पड़ेगा आपको, 80 कैपेसिटी आपको बढ़ा के कितना करना पड़ेगा, 84%, क्योंकि जो 1,50,000 था वो 60% था, अब हमको 2,10,000 करना है तो कितना परसेंट होगा, ये था बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट में जितने भी सम्स मैंने आपको करवाया अभी उसको बहुत बढ़िया से देखना है, ठीक है।